लगातार गिर रहे संक्रमितों के आंकड़े में छिंदवाड़ा अनलॉक की ओर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि अभी तक शहर में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, जो अब अनलॉक होने वाला है। अनलॉक का फैसला आने वाले दिनों में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिया जाएगा, जिसको लेकर शहर में अफवाहों का बाजार गर्म है। आज जारी मीडिया बुलेटिन के अनुसार 9 नए कोरोना के संक्रमितों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वहीं 17 लोग उपचार के बाद संक्रमण से मुक्त हुए हैं। दोपहर बाद मौसम में अचानक बदलाव आया और काले बादल छा गए, जिससे तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे कुछ स्थानों पर पेड़ भी टूटकर सड़क पर गिर गए और भारी बारिश के चलते कुछ स्थानों पर बिजली भी 1 से 2 घंटे के लिए बंद रही। आज रघुवंशम लॉन में रघुवंशी मातृशक्ति की अर्चना सत्येंद्र ठाकुर के सहयोग से मातृशक्ति द्वारा दिव्यांगों जरूरतमंदों को राशन किट का वितरण किया गया। इस अवसर पर मातृशक्ति की रंजीता पटेल, विनीता चौधरी, रेणु चौधरी, गौरी चौधरी, रामे चौधरी उपस्थित रहीं। राशन किट बांटी जा रही है दिव्यांग लोगों को और हम लोग हमेशा ऐसे लोगों की सहायता करते रहते हैं। आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग ऐसे काम करते रहें। सर्वोदय अहिंसा अभियान के अंतर्गत जियो और जीने दो के सिद्धांत के साथ रविवार को अहिंसा प्रेमी दीपक राज जैन, नितिन जैन, अनुभव गोयल, मनमोहन ठाकुर, मुन्ना भैया, अग्रिमा जैन छिंदवाड़ा के गौदुली वृद्धाश्रम पहुंचे और वहां निवास कर रहे सभी बुजुर्ग माता पिताओं सहित उनकी सेवा में कार्यरत सभी सदस्यों की कुशलता पूछकर उनको मास्क, फल, बिस्किट, वस्त्र और अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण कर उनके साथ खुशियों के पल बांटे। हमने सभी बुजुर्गों को फल वितरण किया, मास्क का वितरण किया, औषधि वितरण के साथ आवश्यक सामग्री का वितरण किया और इसी परिसर में हमने आदरणीय गोयल जी की स्मृति में वृक्षारोपण किया, पक्षियों के लिए जलपात्र बांधकर उनके दाना पानी की व्यवस्था की। और विशेष बात यह है कि गोदुली वृद्धाश्रम में कोरोना काल में जो हमारे यहाँ सेवाभावी कार्यकर्ता है, सभी का हमने फेडरेशन की ओर से और सर्वोदय अहिंसा अभियान की टीम की ओर से सम्मान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने के अवसर पर भाजपा नगर मंडल जुन्नारदेव में सभी वरिष्ठ नेताओं और वार्ड प्रभारियों और युवा कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत दीनदयाल पार्क में स्वच्छता अभियान का कार्य किया। सभी वार्डो में मास्क और सैनिटाइजर वितरित कर लोगों को वैक्सीन लगाने और निरंतर मास्क पहनने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया। सेवा ही संगठन के उद्देश्य को लेकर आज कार्यक्रम रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कर्मठ कार्यकर्ताओं द्वारा स्वच्छता के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में और संगठन में जुड़ के अपने द्वारा कैसे सेवाएं देश के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए प्रदर्शित की जाए, की जावे, उसमें तत्परता से लगे हुए। डीडीसी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के अथक प्रयासों में सेवा ही संकल्प संस्था के संस्थापक न्यायाधीश प्रकाश सिंह उइके के सहयोग से जरूरतमंद 11 परिवारों को राशन सामग्री किट प्रदान की गई। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर स्मृति हाबिल द्वारा सेवा ही संकल्प समूह के इस सेवा भाई कार्य की सराहना की गई। सेवा ही संकल्प संस्था के सदस्य राजा राजपूत और आराधना शुक्ला द्वारा खाद्य सामग्री जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाई जा रही है। कोविड-19 महामारी की रोकथाम, इससे बचाव के उपाय, जल संरक्षण, ब्लैक फंगस और पौधरोपण के संबंध में जन जागरण के लिए स्त्रोत संगठन समाज कल्याण सेवा परिषद के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह की प्रेरणा और सिटी मिशन मैनेजर उमेश पयासी के मार्गदर्शन में समाज कल्याण सेवा परिषद संस्था के अध्यक्ष राजेश लिहारे ने संस्था के द्वारा वर्षा के जल को संरक्षण करने के उपाय बताए। कोई भी व्यक्ति से अगर आपको मिल रहा है तो उससे बोलो सबसे पहले मास्क बनाओ, 6 फीट दूर खड़े होकर बात करें। आपको भी मास्क लगाना है तभी अगले से बात करना है। ये वायरस कहाँ से जाता है? नाक और मुंह से। तो हमको क्या बचाना है? नाक और मुंह को बचाना है। और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत आज जुन्नारदेव नगर में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। सुबह से ही आकाश में घने बादल छाए रहे। शाम 5 बजे हल्की आंधी तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई, जिसके कारण क्षेत्र का तापमान में गिरावट दर्ज की गई।